आसमान होकर श्रद्धा में बैठ करके अपने अपने देवों का पूजन गायन वंदन करते हैं, दशहरा का पूरे समय में निर्वाह करते हैं। आपको बता दें धीरे धीरे समय गुजरता है, परमात्मा में शंखनाद होता है, घंटा नाद उभरता है, माधव बृंद बाजा बजते हैं, जुबानी होती है, शयन आरती होती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज विजयदशमी है, आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों को कुल्लू विजयदशमी दिखाती हूँ। वैसे तो दशहरा नहीं मना रहे हैं, सिर्फ देवी देवताओं को ही बुलाए गए हैं और रथ यात्रा होंगे। तो आज आप लोगों को मैं रथ यात्रा दिखाऊंगी और देवी देवताओं से भी मिलाऊंगी। तो चलिए, और मेरे साथ कुल्लू डालपुर मैदान। मानवता के पूर्वज मनु ऋषि ने वर्तमान मनाली में अपने निवास की स्थापना की, जिसे मनुवालय के नाम से जाना जाता है, अर्थात मनु का घर। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियों के बीच, देव दोनों के बीच देवताओं का आना जारी है। स्वागत है माननीय राज्यपाल महोदय आपका देवास्ता के अंदर एक भूमि में कुल्लू में। भगवान बद्रीनाथ जी की इस रथ यात्रा के मंजर को हर कोई अपने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, सोशल मीडिया के माध्यम से इस रथ यात्रा का चंद मिनटों में संदेश न केवल देश में बल्कि विश्व के अनेक भागों तक पहुंच जाता है। हम आपको बता दें, देश विदेश के बहुत सारे जो श्रद्धालु है इस रथ यात्रा की और यहाँ की देश परंपरा की रिसर्च के लिए कुल्लू में आते हैं। बहुत जरूरी है कि आप सभी अच्छे से मास्क पहन कर रखें। भगवान श्री रघुनाथ जी की पालकी थोड़ी देर में यहाँ ऐतिहासिक रथ मैदान में पहुंचेगी और यह दृश्य बहुत शानदार और देखने वाला तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल महोदय भी हम सबके बीच में साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक रथ यात्रा को देखने के लिए। कुल्लू का दशहरा पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ दशहरा रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुत्रों का दहन करके नहीं मनाया जाता। 7 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव हिमाचल के लोगों की संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है, लोगों का मानना है कि 1000 देवी देवता भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के दौरान पृथ्वी पर आकर इसमें शामिल हो किसी न किसी प्रेमनाथ देवता का वास है। यहाँ घर का ई देवता, कुल देवता, ग्राम देवता या गर्भपति देवता
अगर छात्र देवता ये सब यहाँ किसी न किसी गांव में प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने श्रद्धालुओं के अपने प्रजा के, क्योंकि आज वो राजनीति दृष्टि से प्रजा मानी जाती है। जब पुराने समय में देवी देवताओं का शासन था, इनका बोलबाला था, यही सुरक्षा करते थे, उस समय उनको पूजने वाले इनकी प्रजा कहलाई जाती थी और प्रजा के हित के लिए ये हमेशा काम करते हैं। और उसी को मद्देनजर रखते हुए व्यक्ति का प्रयोग शुरू हुआ। ये रूप हमारे को देखने को मिलता है, नमन करते हैं और फिर उनको परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अपने आप व्यवस्था बनाते हुए एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा देखने को लगता है। भगवान जगन्नाथ जी की पालकी सरवरी से आगे निकल चुकी है। आसमान होकर श्रद्धा में बैठ करके अपने अपने देवों का पूजन गायन वंदन करते हैं, दशहरा का पूरे समय में निर्वाह करते हैं। आपको बता दें, धीरे धीरे समय गुजरता है, परमात्मा में शंखनाद होता है, घंटा नाद उभरता है, माधव बृंद बाजा बजते हैं, जबानी होती है, शयन आरती होती है और एक दिन धीरे धीरे लंका गहन हो जाते हैं और देवता धीरे धीरे अपने गांव की तरफ स्थान करते हैं। हम कुंभ में रहने वाले देवताओं का आगमन करते हैं और विशेष महत्वपूर्ण बात और है, जैसे अयोध्या में परमात्मा रघुनाथ के 40 उत्सव अलग अलग ऋतु में संपन्न होते हैं, वैसे ही उत्सव जहाँ रघुनाथ पूर्ण भी परमात्मा के साथ संपन्न होते हैं। इसमें आज परिवार पुरोहित बातों सभी अब अपना सहयोग देते हैं, योगदान देते हैं। एक और फिर दशहरा की बहुत बहुत बधाइयां। आप साथ आने से जैसे प्रशासन के नियम की तरह से बता रहे हैं, सावधानी से देवी देवताओं का इतना बड़ा सैलाब शायद ही कहीं इस देश में या बाहर देखने को मिले। ऐसा लगता है कि मानो सभी देवी देवताओं का अनुग्रह किसी कुंभ की धरती पर हुआ है। रथ को कुल्लू घाटी के भुलंग स्थित शेरा गांव का विश्वकर्मा परिवार ही बनाता है। वर्तमान समय में हरि सिंह कारीगर हर साल रथ की जांच करता है और उसके बाद रथ यात्रा में ही रथ को शामिल किया जाता है। सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा और हम देख ही रहे हैं इतना अद्भुत मंदिर। 462 साल पहले भी इस स्थान पर देवी देवताओं का मिलन हुआ था, जिसमें ना कोई दुकान लगी थी, ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, ना कोई नेता था, ना कोई अभिनेता था, सिर्फ देवी देवता थे, लोग थे और रथ यात्रा थी। और पूरी इतिहास द्वारा इस पर दोहराया जा रहा है, जैसे भगवान रघुनाथ जी इसमें जारी होंगे उसके चारों ओर परिक्रमा की जाएगी, चार बार परिक्रमा की जाती है और उसके बाद जैसे ही भेखली से देवी भेखली का, जगन्नाथी का, भुवनेश्वरी का ऊपर सामने से संकेत मिलेगा, फूल से संकेत मिलेगा, वैसे ही रथ यात्रा भगवान रघुनाथ की जयकार के साथ आगे चलेगी। और ये भव्य दृश्य वर्षों बाद आज इस संचार को देखने को मिल रहा है, इसके आप दबाव बन रहे हैं, ये सचमुच में एक गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और आप यकीन मानिए, ये तो जरूरी है कि आपको मास्क पहनने हैं, दूरी का ख्याल रखना है, परंतु
इन देवी देवताओं के भगवान आप दिखा सकिए। इस महाकुंभ से खैर कोरोना नहीं फैलेगा, कोई नहीं बढ़ेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आपको विश्वास रखना, हमें विश्वास है, प्रशासन को विश्वास है। फिर भी एहतियात हमेशा जरूरी है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग केवल अपने स्थान पर यथावत खड़े रहे जिस तरह से आप हैं, और किसी प्रकार इधर उधर दौड़ने या भागने की आवश्यकता नहीं। मिलन भी करना है, उनको बंधन भी करना है, ये सब कुछ भी बीच में होता रहेगा। और थोड़ी देर में ही ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। पीछे हट जाएं सभी लोग, नहीं तो देवता नाग धूमल आपको यहाँ से हटाएंगे। आप इससे पहले अपने आप पीछे हट जाएं। अगले 7 दिनों तक कुल्लू का ढालपुर मैदान देवी देव आस्था से सराबोर रहेगा। हर रोज लोग हजारों की संख्या में यहाँ अपने आराध्य देवी देवताओं के, इष्ट देवी देवताओं के, कुल देवी देवताओं के दर्शन के लिए आएंगे। चाहे मानो हमने भगवान रघुनाथ जी का साक्षात स्पर्श कर लिया हो, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का हुजूम। यात्रा जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे चलने शुरू हो जाएगी। रथ के रस्सों को पकड़ने की एक होड़ सी लगी रहती है युवाओं में। माना जाता है कि जो भी इस रस्से को हाथ लगाता है उसको इच्छित बार मिलता है, इच्छित फल प्राप्त होता है, वर्ष में कुछ न कुछ जरूर उसको मिलेगा। इसीलिए सबका एक विशेष ध्यान रहता है कि वो रस्से को हाथ जरूर लगाएं। रस्से का मतलब यह है कि रास्ता दिखाना, रास्ते से ही रास्ता बना है। ये रास्ता दिखाएगा आपको बुराई से अच्छाई को चलने के लिए, पाप से पुण्य को चलने के लिए। अभी देखने से संकेत नहीं मिला और परिक्रमा धीरे धीरे चली है, शायद इस परिक्रमा के बाद रथ यात्रा शुरू होगी। और जब रथ यात्रा शुरू होगी उस वक्त का मंजर जब आप देखेंगे तो बहुत अभिवादन को स्वीकार करें। बोलिए भगवान की, बोलिए भगवान रघुनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अप्रतिम आस्था का ये मंजर, ये दृश्य, अलौकिक दृश्य जो आप देख रहे हैं, अपार जनसमूह बोलिए भगवान रघुनाथ की, बोलिए भगवान रघुनाथ की, बोलिए भगवान रघुनाथ की। जैसे कारा इस घाटी का एक साथीता आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जिन्हें करती चलने लगे मां भुवनेश्वरी का संकेत भी मिलना बाकी है। रास्तों को जरा खुला कर दो, मेरी सरकार आने वाली है। परमात्मा अपने मार्ग से धीरे धीरे आगे चलेंगे। ये समरसता का, सामाजिक एकता का, सौहार्द का, असत्य पर सत्य की विजय का, अंधकार पर प्रकाश का ये विजय उत्सव, विजयलक्ष्मी आपके सामने उपस्थित हो रहा है। बोलिए भगवान रघुनाथ की, बोलिए भगवान रघुनाथ की, बोलिए भगवान रघुनाथ की, भगवान रघुनाथ की, बोलिए भगवान रघुनाथ की। कार देते हुए सैकड़ों देवताओं की उपस्थिति इस रथ यात्रा के बीच में। भगवान रघुनाथ की, भगवान रघुनाथ की।
सुख की, विकारात की, प्रेम की संकल्पना के रूप में धीरे धीरे अद्भुत नजारा, अलौकिक दृश्य, ऐसा बंजर धरती पर शायद कहीं और जगह देखने को नहीं मिलता है। बेशक कुंभ के मेले में लाखों की लोग तादाद में लोग होते हैं, लेकिन देवी देवताओं का इतना अपार जो यहाँ पर जमघट है कि वो फिल्मों पर ही देखने को मिलता है, जो समूचे प्रदेश को देवभूमि बनाता है। सभी देवी देवताओं की, सभी देवी देवताओं की, भगवान रघुनाथ की। हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलकर जी भी साक्षी बने हैं आज के इस रथ यात्रा के। महोदय, आपकी मौजूदगी ने, आपकी उपस्थिति ने हम सबका मनोबल बढ़ाया है, आपका बहुत कोटि कोटि आभार। आपने रथ यात्रा में भाग लिया, रथ यात्रा के आप गवाह बने, ये बहुत बड़ी बात। सुंदर जिलावासियों के लिए गौरव का ये दिन, भगवान रघुनाथ जी अगले 7 दिनों तक अपने अस्थाई शिविर में रहेंगे, जहां देवता हर रोज भगवान रघुनाथ जी को वंदन करने के लिए जाएंगे। हजारों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु अपने अपने कुलेश कुलदेव के दर्शन के लिए यहां पर आएंगे। सब लोग कृपया मास्क पहन कर रखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, आप बात पहन कर रखिए, आपको धूल मिट्टी से नहीं वायरस से बचाएगा, ये बहुत जरूरी है। कोई 2-4 व्यक्ति भी बीच में संक्रमित हुए तो सैकड़ों लोग कोरोना के शिकार हो जाएंगे, तो कृपया मास्क बिल्कुल ना छोड़े और अच्छे से जो प्रोटोकॉल मास्क पहनने का है उस तरह से पहन कर रखिएगा। बिजली नहीं थी।
这种地方